हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अमर अभिषेक में आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 3.6 मैथमेटिक्स क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। और ये पार्ट 8 है, क्वेश्चन 8 है। आइए इक्वेशन 1 है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है 1/2 × 3x प्लस वाई माइनस 1/2 × 3x माइनस वाई बराबर 1 − 1/8। ये हो गया। अब इसे समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो और इसे 1/2 है ना, तो 1/2 हम दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद ये हमारा हो जाएगा 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई। ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे, बराबर के बाद इधर माइनस 1/8 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 है इधर ले आते हैं, तो 1/3x प्लस प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इसे बराबर माइनस 1/8 है ना, तो हम इसे 1/2 इधर ले आते हैं, तो 1/2 इधर आ गया। तो अब हमारा ये जो इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर ये उलट जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा जी। और ये उलट के 2/1 हो जाएगा, ये कट के 4 हो गया। ठीक है, तो ये और ये हो जाएगा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/4। ये इसलिए हो जाएगा, इसलिए इसे समीकरण 2 मान लेते हैं फिर। ठीक है, माना फिर मान लेते हैं, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर से u मान लेते हैं और 1/3x माइनस वाई बराबर से v मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो समीकरण 1 में पुट करेंगे, समीकरण 1 है 1/3x, ये हो u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, u प्लस v बराबर 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ u प्लस v बराबर 3/4। इसमें पुट करते हैं तो ये u माइनस v बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसे समीकरण 3 मान लेते हैं और ऐसे समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो u प्लस v बराबर 3/4 और u माइनस v बराबर माइनस 1/4 ये कट जाएगा। और जोड़ने पे है तो ये 2u हो जाएगा बराबर ये 3+4 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसमें ये घट जाएगा तो 2u बराबर, इसमें एलसीएम समान है तो ये घट के हो जाएगा 2/4, तो 2/4 और हो जाएगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा और u बराबर हो जाएगा 2/4, 2 इधर आएगा तो यहाँ नीचे गुना 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा एक बार में, तो इसलिए u बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये u जो निकला है हमारा इसे हम मान लेते हैं, तो u का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में से u का मान रखेंगे तो u था हमारा u प्लस v और 3/4, तो u रखे तो 1/4 प्लस v और 3/4 हो गया। अब 1/4 को हम उधर भेज देते हैं, 1/4 है तो 1/4 को हम उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा v बराबर 3/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा तो भी बराबर हो जाएगा, ये घट के 2/4,
हर सामान जो है ऊपर का घट जाता है। तो एलसीएम लेने का क्या, उसके बाद ये हो गया, अब इसे कट जाएगा तो वन बार में टू बार में, तो इसलिए भी बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यू निकल गया हमारा, अब भी निकल गया, जब जब यू बराबर क्या निकला हमारा 1/4, यू का मान रखते थे हम 1/3x + y बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए 3x + y = 4, इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये 3x + y = 4 समीकरण 5 मान, जब भी y 3x + y = 4 निकल गया। अब हम भी का मान जो हमारा 1/2 निकला था, अब इस 1/2 को हम और 1/3x - y माने थे, वी को बराबर 1/2 हो गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और 3x - y = 1/2 नहीं, ये 2 हो जाएगा, क्रॉस 1 से इसको इसे 2 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, ये जो निकल गया हमारा इसे हम क्या करेंगे, इसलिए 3x - y = 2 इसे समीकरण 6 मान लेंगे। ठीक है, अब जो है समीकरण 5 और 6 जो हमारा निकल गया 3x + y = 4 और 3x - y = 2, तो इन दोनों को हम समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 3x + y = 4 हो गया, और दूसरा 3x - y = 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x = 6, तो इसलिए x = 6/6 = 1। ठीक है, इसलिए x = 1, इसे x = 1 निकल गया। अब x का जो मान है, तो x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 है 3x + y = 4, तो 3x, x का मान हम 1 डाल दें तो 1 हो जाएगा, प्लस y = 4। ठीक है, तो अब y इधर आ जाएगा, y तो ये 3 हो जाएगा, तो 4 - 3। ठीक है, तो इसलिए y = 1 निकल गया, 4 में 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये जो कि अतः x = 1 और तथा y = 1, ये दोनों निकल गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको इससे पहले वाला देखना है तो आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं।